नमस्कार, मैं गवाक ड्रेमा तवांग न्यूज 24/7 के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज का समाचार। जिला उपायुक्त तवांग के द्वारा एक प्रतिबंध के संबंध में पहले से जारी किए हुए आदेश को नजर रखते हुए 30 दिसंबर 2020 को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जानवरों का वध करना मना है और मछली, मुर्गी तथा अन्य मांस का ट्रेडिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। लेकिन जनता के हित को देखते हुए तवांग में मछली, मुर्गी और मांस का बिक्री केवल एएमसी के द्वारा ही किया जाएगा और वैध ट्रेडिंग लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। मांस और मछली को वेटनरी डॉक्टर द्वारा मानव उपयोग के लिए सुरक्षित रूप में सर्टिफाइड होना चाहिए और साथ ही मांस की बिक्री खुले काउंटर से प्रतिबंध है। मछली की बिक्री के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस होल्डर के पास डीप फ्रीजर भी होना चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार निपटा जाएगा। आज तवांग में कोरोना के एक नए मामले सामने आए हैं। तवांग न्यूज 24/7 की सारे दर्शकों से मैं यह गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तवांग न्यूज 24/7 के सारे दर्शकों के लिए हम एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो हर सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा, सप्ताह का अतिथि यानी गेस्ट ऑफ द वीक। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखना ना भूलिएगा। इन्हीं खबरों के साथ मैं गवांग ड्रेमा आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।